नमस्कार, लूनर आस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है काल चक्र दशा। किसी भी इवेंट को जज करने के लिए, कोई भी जब इवेंट होने वाला होता है उसके लिए हमें दो या तीन दशाएं कम से कम जरूरत पड़ती है, कम से कम। ज्यादा आप कर सकते हैं। अगर कोई किसी की शादी होनी है तो वो सिर्फ एक दशा में नजर नहीं आएगा, वो लगातार सारी दशाओं में नजर आएंगे। और उसके लिए काल चक्र दशा एक ऐसा मेथड है जो आप सबको यूज करना चाहिए। आज के जिस वीडियो के अंदर काल चक्र दशा के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे देखते हैं, कैसे यूज करते हैं राशियों को, क्योंकि काल चक्र दशा के अंदर राशियां आती हैं ग्रहों के बदले, और किसी भी राशि को कैसे इस्तेमाल करना है तो आपको राशियों का ज्ञान पूरा होना चाहिए। राशियों के अंदर इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि मैं भी अभी तक सब राशियां ही पढ़ रहा हूँ। राशियों के अंदर इतना डीप है राशियां। अगर आपको लगता है आपको राशियां आ गई हैं तो एक बार दोबारा सोचिए, क्या आप ब्लैंक चार्ट पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ असेंडेंट जो लगन का जो साइन है वो सिर्फ लिखकर आप उसकी लाइफ के इवेंट्स बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? राशियां से आपको इतना पता चलना चाहिए कि कौन सी राशि से क्या, कौन सी राशि का लगन होता है तो उसको जिंदगी में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। फिर आप वो साइंस देखिए, वहां पे प्लैनेट्स देखिए और उसको प्रेडिक्ट करिए। तो पहली बात तो आप राशियां सीखिए काल चक्र दशा के लिए। अब काल चक्र दशा के अंदर क्या है कि दीवान रामचंद्र कपूर जी ने लिखी, सागर पब्लिकेशन की, MLDB मोतीलाल मुनासी दास का पब्लिकेशन की बुक है दीवान रामचंद्र कपूर जी की काल चक्र दशा के ऊपर। सबसे पहले काल चक्र दशा सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की गई कि बुरा वक्त कैसे देखना है मृत्यु के लिए या आपदा के लिए। पर शक्ति मोहन सिंह जी ने पहली बार किताब लिखी काल चक्र दशा के ऊपर सागर पब्लिकेशंस की, उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि हर एक इवेंट काल चक्र दशा से निकलता है, और जो कि बहुत सही बात है। उनकी बुक्स बुक में बहुत सारी गलतियां हैं क्योंकि बहुत सारे टाइपिंग एरर है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहां तक कि जो एग्जाम्पल दे रखा है कैलकुलेशन सिखाने के लिए वो भी गलत है। पर अगर आपको जिस तरीके से हम श्रोत्रिय दशा निकालते हैं चंद्रमा के डिग्रीज के हिसाब से, उसी तरीके से हम ये काल चक्र दशा निकाली जाएगी और बहुत आसान है। अगर आपको मैथ्स आता है ना तो आपको पता चल जाएगा गलतियां कहां पर है, अगर आपको ज्योतिष का मैथ्स आता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। जगन्नाथ होरा के अंदर SM सिंह ऑप्शन देता है कि SM सिंह जी द्वारा कैलकुलेशन है, बट वो भी गलत है। और इसका एक राटा फॉर्म है जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये राटा फॉर्म मेरे को शक्ति मोहन सिंह जी ने दिया था, पर इसके बावजूद भी इसके अंदर और गलतियां मिलेंगी, ये कंप्लीट गलतियां नहीं है, फिर भी आप डाउनलोड करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ पे गलतियां। अच्छा, तो चालू करते हैं काल चक्र दशा और इसको कैसे यूज करते हैं। मैं पावर पॉइंट शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये है काल चक्र दशा, आप यूज करिए डेली के अपने प्रेडिक्शंस में। अब इसके अंदर क्या है, नक्षत्र बेस्ड दशा है तो पोजीशन मून का जो पोजीशन है उसी से कैलकुलेट होगा, और मून ने जो नक्षत्र ऑक्यूपाई कर रखा है उसी से इसका सीक्वेंस डिसाइड होता है कि ये डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एक बार हम दशा प्रोग्रेशन निकाल लेते हैं तो हम देखते हैं कि कितना दशा भोग्य है, कितनी जा चुकी है, जैसे कि वंशोत्तरी दशा के अंदर करते हैं। और इसके अंदर दो ग्रुप्स बनते हैं, एक है क्लॉकवाइज ग्रुप जो कि सव्य है, और एक है काउंटर क्लॉकवाइज ग्रुप जो असव्य है। ये उस बुक के अंदर भी दे रखा है, ये आप इस टेबल से भी देख सकते हैं। अब साइंस बेस्ड दशा है तो आपको ना, अगर मान लीजिए पहली बात तो जो दशा होगी 6-8-12 साइंस की वो मैलेफिक के रिजल्ट दे रखे हैं, पर अगर जो एक्सेप्शन है 6-8-12 साइंस की दशाएं भी कई बार बहुत अच्छी जाती हैं, डिपेंड करता है उसके अंदर बहुत सारे बहुत सारा ऐसा रूल्स हैं जो कि उसको ओवररन कर देंगे। क्लासिकल टेक्स्ट में मार्स और सैटर्न के जितने भी साइंस हैं उनको, उनके रिजल्ट सारे के सारे नेगेटिव बताए गए, जबकि ऐसा नहीं है। मान लीजिए योग आपका एरीज जो साइन है, स्कॉर्पियो जो साइन है, वो अच्छी जगह प्लेस है, उसके अंदर अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो वो जो वाली दशा है वो अच्छी जाने वाली है। लर्न टू प्रिडिक्ट विदाउट प्लैनेट्स, ये मैं इसलिए कहता हूं कि आपको असेंडेंट का साइन देख के प्रिडिक्शन पता चलना चाहिए कि कौन सा साइन में कहां पर प्रॉब्लम आएगा।
ये विद द टाइम आएगा अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो सबसे अच्छी बात है इस दशा की, देखिए हर दशा के अंदर ना, विंशोत्तरी हो गई या कोई भी आप दशा से यूज करेंगे प्रेडिक्शन, इस दशा की सबसे अच्छी बात है क्वांटम जंप मोड। क्वांटम जंप क्या है कि जब लाइफ में बहुत बड़ा कोई चेंज आना हो, बहुत बड़ा, वो क्वांटम जंप मोड दिखाता है कि राशि जो है ना, दशा जो है, पांच साइन कूदना चालू कर देती है। वो स्कॉर्पियो से पाइसिस पे आएगी सीधा, या सैजिटेरियस से एरीज पे चली जाएगी, या वापस एरीज से सैजिटेरियस, जो भी उसका सीक्वेंस है। इस दशा के अंदर आप आंखें बंद करिए और प्रेडिक्ट करिए कि आपको बहुत बड़ा जिंदगी का चेंज आया है। दूसरा है वो है फास्ट फॉरवर्ड मोड। फास्ट फॉरवर्ड मोड क्या है कि उसके अंदर ना, मतलब जो काम पांच साल में होना ना, वो एक साल में होगा। बहुत क्विकली एनर्जी रिलीज करता है वो साइन जब फास्ट फॉरवर्ड मोड में रन करता है। और तीसरा जो मोड है वो है रीओरिएंटेशन मोड। फास्ट फॉरवर्ड मोड के बाद ना, जब पांच साल काम एक साल में कर लोगे, उसके बाद क्या होता है, वो उसका आपको स्टेबलाइज करता है ताकि आप रुको और देखो कि पीछे क्या हुआ है। ये रीओरिएंटेशन मोड है, उस टाइम पे ना लाइफ थोड़ा सा स्लो हो जाती है, जो कि अच्छे के लिए होता है। अब क्वांटम जंप, क्वांटम जंप क्या करता है, मेजर पैटर्न चेंज दिखाता है, जैसे कि मैंने बताया। अब मैं आपको ना इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाता हूँ। इसके अंदर हम लोग एक चार्ट कर, दो तीन चार्ट्स करेंगे ताकि हमें पता चले कि प्रेडिक्ट कैसे करना था। ये चार्ट है, अच्छा देखिए, इस चार्ट के अंदर शादी नहीं हो रही थी, काल चक्र मतलब शादी में डिले था। इनका बर्थ है 1990 का बर्थ है, टिल 2019 अभी तक शादी, मेरी शादी अभी थोड़े दिनों में होने वाली है, पर जब ये आई थी तब इनकी शादी नहीं हुई थी। तो आप देखो सैटर्न रेट्रो होके बैठे हैं मून के साथ सेवेंथ हाउस में। जो महादशा थी वो थी जेमिनी, लग्न लॉर्ड की चल रही थी। अब लग्न में सेवेंथ लॉर्ड खुद आके बैठा है, तो मतलब जेमिनी पूरा प्रॉमिस करता है कि शादी करवाएगा। अब दो ऑप्शंस थे, या तो जेमिनी सजिटेरियस आ जाए या जेमिनी जेमिनी आ जाए। इन दो ही दशाओं में शादी होगी, पर जब मैं किसी और दशा से भी देख रहा था तो मेरे को लगता था जेमिनी सजिटेरियस में इनकी शादी होनी चाहिए। अब जेमिनी सजिटेरियस क्यों बोला, क्योंकि अब देखो सजिटेरियस के बाद सीधा जो दशा है वो एरीज पे जा रही है। एरीज पे जाने की वजह से सैजिटेरियस एरीज, इट मींस लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब बहुत बड़ा चेंज आया, तो बहुत बड़े चेंज आने से पहले, मतलब बहुत बड़ा चेंज क्या होगा, शायद मतलब सब कुछ बदल जाएगा। अगर हम देखें भी जेमिनी में सैजिटेरियस, तो सैजिटेरियस भी दिखाता है कि लग्न लॉर्ड जो है सेवेंथ हाउस में चला गया और सेवेंथ लॉर्ड के साथ जाके बैठ गया। नाइन्थ लॉर्ड भी वहां पे बैठा है, जो कि लीगैलिटी ऑफ मैरिज है। तो शादी क्लियरली दिखाता है जेमिनी सैजिटेरियस के अंदर, और सैजिटेरियस के जस्ट बाद दिखाता है कि बहुत बड़ा चेंज लाइफ का, क्योंकि दशा जो है ना वो पांच साइन जंप करके, यहां से जंप करके यहां पे आ रही है। अच्छा, सैजिटेरियस जब से रन करना स्टार्ट किया तो सबसे शादी की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सैजिटेरियस कब से चल रहा है, 2017 अक्टूबर से वहां पे सैटर्न बैठा है, सैटर्न चिंता देता है। सैटर्न मून मतलब शादी की बहुत ज्यादा चिंता है, हद से ज्यादा। अब वो सैजिटेरियस जब से रन करना स्टार्ट करा, तब से उन्होंने दिमाग में आया कि कैसे होगा, शादी कैसे होगी। और जेमिनी सैजिटेरियस शादी प्रॉमिस कर रखा था, और जेमिनी सैजिटेरियस में शादी पक्की हो गई एरीज के अंदर। अब एरीज के अंदर टेंशन नहीं है, एरीज में क्या है, एरीज में मेकओवर चालू हुआ है, शादी के लिए तैयारियां चालू हुई, तो एरीज के अंदर कॉन्फिडेंस वापस आया शादी को लेकर। तो इससे हमने देखा कि कैसे काल चक्र दशा से क्वांटम जंप जो है लाइफ का, अगर आप इससे भी देखोगे, जब सैजिटेरियस से एरीज पे रन करी दशा, और एरीज में ये मार्स लगन में आके बैठा, और लगन ना जो है ना खुद थर्ड हाउस में चला गया, इट मीन्स चेंज ऑफ प्लेस भी है, शादी की वजह से हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, जैसे कि ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर इफ यू सी दशा चली लिब्रा, लिब्रा के टेंथ हाउस की दशा, मींस करियर पे फोकस है इस टाइम पे।
और लिब्रा के अंदर सैजिटेरियस, मतलब क्वेश्चन ये था कंसल्टेशन के लिए था कि करियर कैसा रहेगा। तो आप देखो 2019 में ना इनका कोर्स पूरा हो रहा है, 2019 मई के अराउंड इनका कोर्स पूरा हो रहा है जो भी कोर्स ये कर रहे हैं। एंड पाइसिस स्कॉर्पियो दशा जंप कर रही है। आप देखो पाइसिस से अगर आप चार्ट देखोगे तो एवरीथिंग विल गो इन द 8th हाउस। असेंडेंट इज लुक्ड बाय डेबिलेटेड वीनस, वीनस विद साइन ऑफ वर्गो, सैटर्न वीनस का कंजंक्शन एस्पेक्ट से असेंडेंट पे हो रहे हैं और असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में है। व्हाट शी इज डूइंग, शी इज वो क्या कर रही है इस टाइम पे, क्या कोर्स है, क्या कोर्स कर रही है ये नर्सिंग का इस टाइम पे। वर्गो वीनस देख रहा है बहुत स्ट्रांगली और वो उसको अफेक्ट भी कर रहा है, तो इस टाइम पे नर्सिंग का कोर्स है और बहुत हार्ड स्टडीज है, तो इसके वजह से ये दशा चल रही है लिब्रा के अंदर, ये स्टार्ट हुआ। अब जब लिब्रा में पाइसिस से स्कॉर्पियो रन करेगा, स्कॉर्पियो 2019 में आ रहा है, आप देखो स्कॉर्पियो से असेंडेंट बना के 10th लॉर्ड जो है 12th हाउस में चला गया। इवन द जो असेंडेंट लॉर्ड है ना वो भी 3rd हाउस में गया, चेंज ऑफ प्लेस ड्यू टू द प्रोफेशन, बिकॉज साइन कैप्रिकॉन का है, चेंज ऑफ प्लेस होगा किसकी वजह से, प्रोफेशन की वजह से, असेंडेंट भी बोलते हैं। 10th लॉर्ड भी 12th हाउस में जाता है, असेंडेंट में असेंडेंट कंट्रोल होता है राहु के थ्रू। अब इससे इन तीनों चीजों का मिला के आप देखोगे और बाकी दशाओं से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि इस दशा के अंदर जब स्कॉर्पियो स्टार्ट होगा तो ये जो लड़की है ये अपने करियर की वजह से चेंज ऑफ प्लेस करेगी, ये किसी बाहर ऐसी जगह पे जाएगी जहां पे पहले कभी नहीं हुई। तो बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है काल चक्र दशा। आप इसको 3-4 लेवल तक यूज कर सकते हैं, मैं इसको 3 लेवल तक यूज करता हूँ प्रेडिक्शन के लिए। तो अगर आपको देखना हो, पिन पॉइंट करना हो इवेंट्स, तो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। माइनर इवेंट्स तक प्रेडिक्ट होते हैं काल चक्र दशा से। अच्छा, इसके अंदर से मैंने सिर्फ दशा बताई, बट आप देखो इस टाइम पे जुपिटर जो है स्कॉर्पियो से जा रहे हैं, जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर राहु, दशा इस टाइम पे है पाइसिस, तो जुपिटर 9th हाउस के ऊपर से जा रहे हैं। एंड सैटर्न जो है 10th हाउस के ऊपर से जा रहा है, सैटर्न 10th के ऊपर से जा रहा है तो दिखाता है कि कुछ ना कुछ करने प्रोफेशन से रिगार्डिंग इवेंट देने वाले हैं। सिमिलरली जब भी कोई बैड ट्रांजिट आप देखोगे किसी साइन के अंदर, साइन की दशा चलती हो, सपोज इस टाइम पे अगर सैजिटेरियस की दशा चलती होती है, उसमें से सैटर्न और राहु, सैटर्न और केतु मिलने वाले ट्रांजिट हो रहे होते एक साथ, तो वो दशा अच्छी नहीं जाती। ये आपको थोड़ा सा ट्रांजिट्स भी आप यूज करिए इसके साथ साथ, और इसके रेफरेंस में ट्रांजिट यूज करिए, जिसकी दशा चल रही हो साइन की उसके रेफरेंस से ट्रांजिट यूज करिए, आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे इसमें। तो ये थी कालचक्र दशा, आप यूज करिए। मैं बहुत जल्दी इसके अंदर एक और दशा सिखाऊंगा नक्षत्र बेस्ड, जो है चक्र दशा। चक्र दशा 10 महीने की है, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड लेती है, तो उसके अंदर हर अंतरदशा 10-10 महीने की चलती है, 10 साल की महादशा, 10 महीने की अंतरदशा चक्र दशा है, वो मैं दिखाऊंगा। इसके अंदर रॉन्गली कैलकुलेटेड है अगेन जगन्नाथ हो रहा है, तो मैनुअली करिएगा कैलकुलेट। अगर आप देखोगे अदर दशाज में चक्र दशा यहाँ पे कैलकुलेशन ओके, किसी किसी में ठीक है, किसी में गलत है, सॉफ्टवेयर को ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको खुद करना पड़ेगा कैलकुलेट, और 5 मिनट लगते हैं किसी भी दशा को कैलकुलेट करने में। तो आप ये करना स्टार्ट करिए, कालचक्र दशा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि चक्र दशा कैसे यूज करते हैं। चक्र दशा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसका वो भी साइन बेस्ड दशा है, एक साइन की दशा चलती है महादशा, बाकी सर्व की अंतर दशाएं चलती है 10-10 महीने की। तो ये करते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल, बताइए कैसा लगा वीडियो, और मैं आपसे अगली बार मिलता हूँ। थैंक यू।